आज जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है एरेज और एरेज में भी सिंगल डायमेंशनल एरे का उपयोग करते हुए हमें 10 नंबर में से बड़ा नंबर फाइंड आउट करना है। तो हमें प्रोग्राम लिखना चाहिए कर सके कि 10 नंबर में से बड़ा नंबर फाइंड आउट कर सके। तो इसके लिए सबसे पहले हमें करना होगा इनपुट, उसके बाद लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना और उसके बाद उसको प्रिंट कर लेना है। तो ये तीन काम हमें करना है। तो हमने प्रोग्राम की शुरुआत में लिखा है टारगेट, जो ये बता रहा है कि प्रोग्राम किस के लिए लिखा गया। तो प्रोग्राम का टारगेट में लिख दिया प्रोग्राम टू फाइंड लार्जेस्ट नंबर अमंग 10 नंबर्स। कमेंट हमने पता ए सिग्नल के बीच में लिखा जाता है, एक फाइल हमने इंक्लूड कर दी एक्सटेंडेड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल। मैंने वेरिएबल्स लिए एक मैक्स एक आई एक एरे डिक्लेयर करा नाम 10 इंटीजर टाइप का एरे है, कुल 10 एलिमेंट इसमें स्टोर होंगे यानी नाम 0 से लेकर नाम 9 तक। अब क्योंकि हमें इनपुट करना है नाम 0 से लेकर नाम 9 तक एरे के एलिमेंट में वैल्यू इनपुट कर दी, तो हमने इसके एरे का उपयोग किया, इसके एरे को लूप में लिख दिया फोर लूप। तो फोर लूप में लिखा आई की वैल्यू 0 से शुरू करा और बढ़ते बढ़ते 9 तक जाएगा, 0 से लेकर 9 तक यानी कुल 10 टाइम्स इसके अंदर एग्जीक्यूट होगा। फर्स्ट टाइम जब एग्जीक्यूट होगा आई 0 जो कि 9 से छोटा है तो लूप एग्जीक्यूट होगा इसके अंदर %n% नाम 0 यानी जो भी वैल्यू हम देंगे वो नाम 0 नाम के लोकेशन में जाके स्टोर हो जाएगा लाइक दिस। अगली बार जब वापस कंट्रोल यहाँ जाएगा तो आई की वैल्यू 1 से बढ़ा दी जाएगी। अब क्योंकि 1 <= 9 है अभी तो फिर से स्कैनर एग्जीक्यूट होगा और स्कैनर %d% 1 यानी अभी वैल्यू जाएगी नम 1 में जाएगी। इसी तरह लूप चलता रहेगा और हमारे ये पूरा एक एरे सिंगल डायमेंशन का एरे जिसमें 10 वैल्यू स्टोर है वो मिल जाएगी यानी इनपुट का काम खत्म। अब हमने यहाँ लूप से बाहर आके फिर से कमेंट लगाया लार्जेस्ट नंबर यानी हमें पता रहे इसके आगे हमने जो भी लिखा वो कैलकुलेशन है कि हमें लार्जेस्ट नंबर निकालना है। उसके लिए हमने मान लिया कि मैक्स एक वेरिएबल है जो लार्जेस्ट नंबर को स्टोर करेगा और हम अंत में मैक्स को प्रिंट कर देंगे। तो मैक्स में मैंने इनिशियली मान लिया कि नाम 0 सबसे बड़ा नंबर और उसको मैक्स में स्टोर कर लिया, चाहे वो बड़ा है या नहीं मैंने उसको मैक्स में स्टोर कर लिया। पहले उदाहरण में मैक्स में मैंने लिया वैल्यू नम 0 का, मतलब वैल्यू क्या लिया मैंने इस उदाहरण में 2, नम 0 में 2 है जिसको मैक्स में स्टोर कर दिया। अब हम बोलना यहाँ मैंने फोर लूप लगाया जो एक इफ स्टेटमेंट है, ये तुलना कर रहा कि नम आई ग्रेटर देन मैक्स, अगर नम आई ग्रेटर देन मैक्स है तो हमने क्या करना है कंडीशन ट्रू होने पर मैक्स में हमें नम आई का वैल्यू स्टोर करते चलना, मतलब कि जो भी बड़ा वैल्यू हम फाइनली मैक्स में लेते चलेंगे। तो देखिए जब आई 0 है लेस देन इक्वल्स टू 9 है तो क्या एग्जीक्यूट होगा नम, इफ नम 0 ग्रेटर देन मैक्स, नम 0 ग्रेटर देन मैक्स ऐसा है कि ऐसा क्या मतलब है नम 0 का वैल्यू है 2 ग्रेटर देन मैक्स, मैक्स का वैल्यू है 2 यानी कोई फर्क नहीं पड़ा मैक्स में क्या रहा कोई रहा। नेक्स्ट टाइम जब आई का वैल्यू बढ़ेगा 1 से तो 1 <= 9 अगेन लूप में आएंगे, लूप में फिर अगर एग्जीक्यूट होगा नम 1 ग्रेटर देन मैक्स है क्या, इस एग्जांपल में 4 ग्रेटर देन 2 है क्या, इस बार कंडीशन मिलता है ट्रू, ट्रू मिलता है तो मैक्स में क्या होगा नम 1 का वैल्यू आ जाएगा, नम 1 का वैल्यू यानी 2 की जगह 4 स्टोर हो जाएगा यानी मैक्स में अब आएगा 4। अगेन लूप एग्जीक्यूट होगा नम 2 क्योंकि आई की वैल्यू 2 हो गया 2 <= 9 तो हम लूप में आए नम 2 ग्रेटर देन मैक्स, नम 2 यानी 6 ग्रेटर देन मैक्स यानी 4 है क्या, अगर ऐसा है यहाँ पे 2 मिल रहा तो हम 4 की जगह क्या स्टोर हो जाएगा मैक्स में 6। इसी तरह चलता रहेगा और फाइनली हमें मैक्सिमम मिलेगा 20 और लूप से बाहर आ जाएंगे प्रिंट एफ का एग्जीक्यूट कराएगा लार्जेस्ट नंबर इक्वल्स टू परसेंट डी यहाँ से वैल्यू प्रिंट कर देगा, मैक्स नाम के वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करा देगा। तो हमें आउटपुट मिलेगा लार्जेस्ट नंबर इक्वल्स टू परसेंट डी की जगह वैल्यू आएगा इस वेरिएबल में, इस वेरिएबल में फाइनली स्टोर हुआ मिलेगा 20, तो 20 इज द लार्जेस्ट नंबर।